हेलो दोस्तों, तो एक नया ब्लॉग यार, सीरियसली मैं ब्लॉग बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। मैंने कहा चलो आज एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको शेयर करने वाला हूँ। यार ये स्टोरी जो है मेरे लिए तो बहुत यादगारी और मेमोरेबल स्टोरी है। यार मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बोला था कि मेरा जेके ब्लॉग्स एक चैनल है, ठीक है, और इससे पहले भी मेरा एक चैनल है जो भी एग्जिस्ट करता है, उससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। 5-6 दफ़े में उस पर अर्निंग कर चुका हूँ। वो भी चैनल बस स्टेबल चैनल है, बस मुझे एक तरह से थोड़ी बहुत अर्निंग दे देता है, लेकिन वो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं हूँ मेरा चैनल कौन सा है, कैसा चैनल है वो है। यार सीरियसली उस चैनल को मैं अभी तक रिवील भी नहीं करूँगा कि वो चैनल मेरा कौन सा है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा चैनल है ना, ये मेरे बलबूते पर हो। इसलिए मैंने जितने भी सब्सक्राइबर गेन किए हैं ना, 708 जितने भी है, वो मैंने अपने बलबूते पर गेन किए। वरना मैं क्या अपना उस चैनल का लिंक उस पर डाल देता हूँ, सब्सक्राइबर ले लेता हूँ और कुछ भी नहीं। आसान काम है कम्युनिटी टाइप अपने चैनल शेयर कर दूँ, कम से कम 20-40-50 सब्सक्राइबर तो आ ही जाएंगे मेरे इस चैनल पर। लेकिन ना, मैंने कहा जेके व्लॉग्स को अपने दम पे प्रमोट करूँ, क्योंकि जैसे मैंने उस चैनल को बिना किसी सहारे के प्रमोट किए, सारे के प्रमोट अपनी मेहनत, अपनी वीडियो, अपने कॉन्टेंट की वजह से वो चैनल मेरा ग्रो हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी इन फ्यूचर ज़रूर ग्रो होगा। तो हम टॉपिक से हट रहे हैं। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला था। यार ये जो है ना मेरा नॉर्मल मोबाइल है, इससे मैं खाली मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, क्योंकि आपको पता है स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी डेड हो जाती है, लेकिन इसकी बैटरी कम अज़ कम मुझे एक हफ्ता रहती है, ठीक है। इसको जब खोलो ना, इसको जब खोलो, उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ पढ़ूँगी, उसकी मैं आपको कहानी सुनूँगी। खोल दी ना, ये मोबाइल है, ये सब कवर, ठीक है। इसके अंदर ये देख सकती है, देख सकती है, ये 1 रुपए का नॉर्मल सिक्का। आपके ये 1 रुपए के सिक्के में क्या कहानी है यार, इस 1 रुपए के सिक्के में बड़ी कहानी है, सीरियसली बहुत बड़ी कहानी। यार मैं अभी भी आपको बताता हूँ ना कि मेरा वो चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था, बेतुके में स्टार्ट किया था, मैंने कहा चलो यार फारिग टाइम कुछ वीडियोज अपलोड कर देती है। तो फिर मैंने वीडियोज अपलोड की, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल तक मैंने उसमें रेगुलर काम किया, फिर उस चैनल की मोनेटाइजेशन अप्लाई, फिर उसमें मोर के $10 हुए, $10 के बाद पिन आती है ना, दो दफ़ा पिन नहीं आई मुझे मेरे एड्रेस पे, फिर मैंने अप्लाई की, फिर पिन नहीं आई, फिर उसको मैंने ऑनलाइन वेरीफाइड किया, यूट्यूब पर देखा, ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया, फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, और फिर उसके मेरे ख्याल 1.5 महीने बाद मेरी पहली अर्निंग हुई $100, ठीक है, $100 मेरे ख्याल से मुझे पैसे आए थे, ठीक है। जब उसको वेस्ट इंडीज से निकालने गया ना, तो उसने सारे पैसे मुझे दिए, लेकिन सबसे पहले जो मेरे हाथ में आया था ना, वो 1 रुपए का सिक्का, ये 1 रुपए का सिक्का, सीरियसली 1 रुपए का सिक्का। मैंने अभी सारे पैसे वाले खर्च कर दिए, लेकिन ये 1 रुपए का सिक्का मैंने अभी तक मेरे पास है, 1.5 साल हो गए मेरे पास भी नहीं मेरा 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ, क्योंकि इस सिक्के में बड़ी कहानी है, बड़ी मेमोरेबल कहानी है। यार ये मेरी पहली अर्निंग थी फ्रॉम यूट्यूब, तो आप देख सकते हैं इसको मैं मोबाइल कवर के पीछे हमेशा रख लें, ये पड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए एक तरह से मुझे याद दिलाते हैं कि फिरवानी तुम्हारी पहली अर्निंग था, तुम्हारा पहला रुपया था, तो उसको कभी मैंने खर्च नहीं किया। ये यार बस क्या बताऊँ, बस स्टोरीज होती है ना, लेकिन ये 1 रुपये का सिक्का मेरा, जब मुझे इससे पहले पैसे दिए थे ना, बहुत सारे नोट थे, 500 का था, 5000 का था, 1000 का नोट था, लेकिन उसे पैसे गिरी तो सबसे पहले उसने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया था, उसके बाद से मेरी अर्निंग हुई थी। ओवर भी मैंने सब जगह पर खर्च कर दी, फैमिली में खर्च की, पार्टी वार्टी की, अपने कजन को थोड़ी ट्रीटमेंट खिलाई, लेकिन सीरियसली यार मुझे जब भी कोई पूछते हैं यार ये 1 रुपये का सिक्का तुमने मोबाइल के नीचे क्यों रखा, मैं क्या यार इसमें बड़ी बहुत बड़ी कहानी है, सीरियसली बहुत बड़ी कहानी है। 1 रुपये का सिक्का तो एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पाकिस्तान में, 1 रुपये की क्या वैल्यू है पाकिस्तान में, लेकिन मेरे लिए इस 1 रुपये के सिक्के की बहुत बड़ी वैल्यू है। कोई मुझे 20,000 रुपये भी देना तो 1 रुपये के सिक्के की बहुत वैल्यू मेरे लिए बन रही, क्योंकि मेरी पहली अर्निंग है, लिटरली पहली अर्निंग थी, मेरे ख्याल से मेरी पहली अर्निंग आई थी दिसंबर 2018 में मेरी पहली अर्निंग आई थी। क्या ये तब की मेरी अर्निंग, सीरियसली यार मैंने बहुत उस चैनल पे काम किया, और मैं कोशिश करूँगा इस चैनल को भी इस तरह काम करूँगा कि ये चैनल भी मोनेटाइज हो, हिट हो, और इतना हिट हो ना कि थोड़े से इससे भी हम अर्निंग कर ले, और लोगों को पहचान बताऊँ कि मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं करता, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है। बस मैंने कहा चलो यार इसके साथ कहानी शेयर कर दो, मुझे
अभी भी घंटा पहले अभी लिखा यार ये क्या तुमने 1 रुपया रखा हो। मैंने कहा मम्मा इसकी बहुत बड़ी कहानी आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आती है यार सीरियसली यार टाइम बिल्कुल समझ नहीं पड़ी। मैंने अभी ये 3-4 महीने पहले चैनल तो बहुत पहले का बना हुआ था लेकिन 3-4 महीने पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था। 2 महीने तक तो कोई सब्सक्राइबर थी नहीं, फिर अचानक से सब्सक्राइबर हिट हो गए और अब हम देखे 750+ सब्सक्राइबर पे खड़े हुए और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और वो जल्दी जल्दी 4000 घंटे वॉच टाइम हो के चैनल मेरा मोनेटाइज हो और फिर हम इस पर और भी रेगुलर काम करें क्योंकि मेरे पास अभी कोई इतने खास इक्विपमेंट नहीं है व्लॉगिंग के। तो मैं कहता हूँ बस ये एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाए ना तो फिर इसके बाद ही मैं ज़रा थोड़ा ट्राईपॉड भी नया लूँगा और ज़रा कैमरा भी कुछ लूँगा क्योंकि ये मेरा सादा सा इतना खास स्मार्टफोन भी नहीं है, ये स्मार्टफोन भी अपना अपडेट करते हैं और फिर उस चैनल से भी थोड़ी अर्निंग आएगी, इस चैनल से भी थोड़ी अर्निंग आएगी तो एक नया स्मार्टफोन अब ले लेंगे। मैं सोच रहा हूँ iPhone X अपने ले लेंगे क्योंकि थोड़े पैसे तो मेरे पास जमा हुए अराउंड 40,000 है अभी तक मेरे पास और कोशिश करता हूँ कि थोड़े और पैसे जमा सकता है iPhone X ले लेंगे। iPhone X अराउंड 110-120 का सेकेंड हैंड मिलेगा पाकिस्तान में क्योंकि iPhone की मार्केट पाकिस्तान में बहुत हाई और बहुत एक्सपेंसिव थी यार सीरियसली। अभी भी आप लोग इमेजिन नहीं करोगे यार 1 रुपये की बड़ी कहानी है, मेरे लिए तो बड़ी मदद यार 1 रुपये की सिक्के की बड़ी वैल्यू है मेरे लिए तो एक तरफ यार लकी चार्म सफा बाज हूँ। देखिए मैं इसको इसमें रखता हूँ इस कैमरे से तो इसके ऊपर से मोबाइल रखता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना ये मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि स्मार्टफोन में खाली मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह होती है और ये खाली रात के टाइम इस्तेमाल करता हूँ लेकिन नॉर्मली मैं ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छी बैटरी लाइफ भी देते हैं, लिटरली आप देख सकते हैं इसकी बैटरी देख सकते हैं ये मैंने 1.5 हफ्ते से चार्ज भी नहीं किया सीरियसली। अच्छा देखिए मेरे उस मोबाइल में थी प्रोटेक्शन ही नहीं थी, इस मोबाइल प्रोटेक्शन देख सकते हैं ऊपर वो भी चला हुआ है स्पीकर भी चला हुआ है यार ये मोबाइल 5,500 रुपये का मोबाइल गई अच्छा लेके लोग हंसते हैं कि तुमने इस मोबाइल पर फोटो लिया मेरे पैसे है मेरे यार ये मैंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से मोबाइल लिया था ठीक और इसके अंदर जो 1 रुपये का सिक्का पड़ा है ना वो मेरा बहुत यादगारी और लकी चार्म सिक्का है। तो आज का ब्लॉग का मकसद बनाने का ये था कि आपके साथ अपनी 1 रुपये की स्टोरी शेयर करूँ, 1 रुपये की स्टोरी शेयर करूँ यार 1 रुपये की स्टोरी आप लोगों के लिए 1 रुपये की स्टोरी लेकिन मेरे लिए जो है ना 1-1.5 लाख रुपये की स्टोरी है सीरियसली क्योंकि मेरी पहली अर्निंग यूट्यूब पर जो आई थी ये यार मैं अभी भी अपना चैनल रिवील नहीं करूँगा। मैं चाहता तो अपना चैनल ये या जितने सब्सक्राइबर मेरे उस पर हैं ना तो खाम खा ही मेरे 1-1.5 हफ्ते में वो सब्सक्राइबर भी इतने हो जाएंगे 1000 हो ही जाएंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चैनल जो है ना मेरा दम पर हिट हो और जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इसके दम पर हिट हो क्योंकि मैंने इन फ्यूचर भी यही कंटेंट बनाना है। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं और यही मैं सोचूंगा कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी कहानी 1 रुपये की कहानी अच्छी लगी हो क्योंकि जो मेमोरीज होती है ना मेमोरीज यार आप जितने भी बूढ़े हो गए जितने भी बड़े हो गए जो मेमोरीज अच्छी मेमोरीज होती है ना वो दिल में रहती है दिमाग में रहती है वो हमेशा आपको आपके साथ अच्छा टाइम अच्छा एक्सपीरियंस गुजारती है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें कि मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाता रहूं, क्रिकेट ओपिनियन वीडियोस लाता रहूं, ये चैनल पर कुछ ना कुछ हम करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।